हे गाइस नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल सोनू क्रिप्टो। और एथने नेटवर्क माइनिंग ऐप के अंदर एक ज़बरदस्त अपडेट आई हुई है। अपडेट ये है कि इन्होंने गाइस हाल ही फिलहाल में फ़ंड रेज किया हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। और सेकंड है कि बहुत यूज़र के क्वेश्चन है जेम टोकन ATH में कब कन्वर्ट होते हैं, तो उसके बारे में आपको आगे बता रहा हूँ। और मेनली गाइस एक ATH टोकन की प्राइस $0.045 की अभी चल रही है, तो लिस्टिंग की टाइप पर कितनी हाई होगी। और मेन इम्पॉर्टेंट है आइस नेटवर्क माइनिंग ऐप के अंदर गाइस बहुत यूज़र को आइस टोकन डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो भी बिल्कुल फ्री में, वो भी गाइस सेकेंड टाइम कुछ यूज़र को, ऐसा नहीं कि सब यूज़र को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जाके अपना फटाफट वॉलेट जाके चेकआउट कर लो। और भी अपडेट्स बताने वाला हूँ आइस नेटवर्क की, और गाइस इतने नेटवर्क माइनिंग ऐप के अंदर जो भी अपडेट्स आई है वो आपको शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाओ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाओ। तो गाइस सबसे पहले अपडेट शेयर कर देता हूँ। मैंने कि जेके सिंह का जीरो लैंड का एक एयरड्रॉप के बारे में अपडेट शेयर किया, जाके वीडियो चेकआउट कर लो। और इसमें और भी कुछ है जो आपको बताने वाला हूँ, एक वीडियो अलग से डेडिकेटेड दूंगा, जिसमें ममता नेटवर्क के अंदर आपके पास फंड है तो उससे भी आप इसमें पॉइंट ग्रैब कर पाओगे और आपको मल्टीपल एयरड्रॉप्स मिलने के चांसेस है। और सेकंड है गाइस नॉइस का एयरड्रॉप है, जिन्होंने इंजेक्टिव टोकन को स्टेक किया था उन सबको मिला है, जाके क्लेम कर लो, कैसे करना है पूरी डिटेल बताइए। और गाइस एक ज़बरदस्त अपडेट ये है कि आइस नेटवर्क के अंदर कुछ यूज़र को फिर से 10% के एयरड्रॉप डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, टोकन डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो आपका वॉलेट जाके फटाफट जाके चेकआउट कर लो, आपको मिले कि नहीं, मिले तो डुरंत जाके सेल आउट करके प्रॉफिट बुक कर लो। ये सब यूज़र को नहीं मिले तो इसलिए क्लियरली बता देता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं मिले हैं, तो कुछ यूज़र को मिले हैं, उन्होंने मुझे बोला है कि सबको मिले हैं करके, मोस्टली यूज़र को। तो आप भी जाके चेकआउट कर लो, आपको मिले हैं कि नहीं फिर से सेकंड टाइम। और गाइस आइस नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे गाइस इनके फॉलोअर तो अभी बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि लिस्टिंग कर दी है। और मेनली यहाँ पे इन्होंने के चार एक्सचेंज को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि किसके किसके अंदर लिस्टिंग किया। गाइस पैनकेक स्वैप के अंदर लिस्ट किया इन्होंने, उसके बाद गाइस इन्होंने gate.io एक्सचेंज के अंदर लिस्ट किया, यूनिस्वैप एक्सचेंज के अंदर लिस्ट किया, और यहाँ पे गाइस इन्होंने OKX एक्सचेंज का जिक्र किया है। बट यहाँ पे ना ही BitTrue का इन्होंने जिक्र किया है, ना ही CoinSavvy का, बट इन चारों का इन्होंने यहाँ पे इनके ट्विटर हैंडल के अंदर जिक्र किया है, ठीक है। और कुछ यूज़र ये भी पूछ रहे हैं कि हमारे जो इधर वॉलेट है वो अभी हम चेंज कर सकते हैं क्या। गाइस चेंज तो होता है, बट एक दिक्कत ये है कि जो अभी एक इनमें न्यू आया था, क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन, जैसे BNB एड्रेस का वेरिफिकेशन कुछ आया था, वो आपको कल ही वीडियो दी थी कैसे कंप्लीट करना है। तो अगर वो करने के बाद आप एड्रेस चेंज करोगे तो शायद दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पे कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं दी है कि इन्होंने आप चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो मैं तो बोलूँगा चेंज करने मत जाओ, ठीक है, जो एड्रेस वही रहने दो, उसमें है क्या, मतलब कोई प्रॉब्लम तो है नहीं ना, आपने सोच समझ के दिया रहेगा जो भी एड्रेस है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो है वही रहने दो, कुछ चेंजेस करोगे बाद में आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा, आप इधर उधर भागते फिरोगे, इससे अच्छा कुछ चेंजेस करने मत जाओ, ठीक है। और जो इधर एड्रेस दिया है, ऐसा नहीं कि आप हज़ारों फेक एड्रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो वो ही एड्रेस लाके इधर दे रहे हो, ऐसा इतना फ्यूचर आप संभाल के चलो, ऐसा कोई एड्रेस दो जो आप एड्रेस ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते हो वो वॉलेट का, ठीक है। और अगर किया भी है तो जाकर revoke.cash से रिवोक कर दो, सिंपल सी बात। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोगों का ये आ रहा है कि हमको सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन कब मिलेगा, क्योंकि बहुत यूज़र को तो अभी से मिल गया है सेकंड टाइम भी डिस्ट्रीब्यूशन, तो मतलब फॉर ऑल सबके लिए कब मिलेगा। तो गाइस फरवरी में मिलेगा आपको, जनवरी को फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन फरवरी, थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन मार्च, ऐसे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं इतने नेटवर्क माइनिंग ऐप के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके यूज़र बेस आप देख सकते हो बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, और इतने अच्छे यूज़र बेस हुए तो कोई भी माइनिंग आपको अच्छा खासा ही प्रॉफिट देती है, ठीक है। माइनिंग में एक ही है कि यूज़र बेस बढ़ने चाहिए बस। और मेनली गाइस सेकंड अपडेट की बात करें तो टाइम टू टाइम आपको कुछ भी अपडेट्स रहती है, कुछ भी एरर्स रहते हैं, यहाँ पे ये ट्विटर के अंदर शेयर करते जाते हैं। और अभी हाल ही फिलहाल में इन्होंने गाइस एंजल इन्वेस्टमेंट राउंड के अंदर गाइस 1.3 मिलियन का USDT गाइस रेज किया है, फंड रेज किया है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो अगर ऐसे ही और बहुत सारे इन्वेस्टर आके इसमें अगर फंडिंग वगैरह की, तो ये प्रोजेक्ट गाइस आपको एक अच्छा खासा तगड़ा बेनिफिट दे सकता है इन अ फ्यूचर। और एक और इम्पॉर्टेंट बात करें तो गाइस इनकी जो टोकन की प्राइस थी वो गाइस पहले थोड़ी कम थी, जो ATH टोकन है इनका नेटिव टोकन, बट अभी गाइस प्राइस बढ़ चुकी है $0.045, जो गाइस आइस नेटवर्क का प्राइस से ज़्यादा है। और अभी तक तो ये लिस्टिंग नहीं हुआ है, जब भी कोई एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग होता है तो इससे 10 गुना प्राइस ज़्यादा रहता है। बट आप बोलोगे ये अभी टोकन कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, तो ये गाइस टोकन अभी इनके ऐप के अंदर इनके गेम्स हैं
गेम्स कौन से हैं कि सिंपल नॉर्मल गेम्स नहीं है, वो कैसीनो गेम्स है, उसके अंदर आप ये टोकन को यूज़ कर सकते हो और गेम खेल सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं करता कि जाके कैसीनो गेम्स खेलो, ठीक है? तो आपको कोई खेलने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू प्ले दी कैसीनो गेम्स, ओके? तो आपको कोई खेलने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल आपको सिंपल आ जाना है, पहले गूगल प्ले स्टोर के अंदर एथने नेटवर्क माइनिंग ऐप की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, सिंपल आपको डाउनलोड कर लेना है। और आपको अपडेट आ रहा है तो अपडेट ज़रूर कर लेना, क्योंकि अपडेट करोगे तो आपके जितने भी एरर्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अपडेट होने के बाद ओपन कर लो, ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा इधर एक काम करना है, वो है माइनिंग। आपको सिंपल यहाँ पे सिंपल माइनिंग पे क्लिक कर देना, एवरी 24 आवर्स के अंदर क्लेम आएगा, क्लेम पे क्लिक कर देना और फिर माइनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है? तो आपको सिंपल से फ्री ऑफ कॉस्ट की जो माइनिंग मिल रही है वही करना, और आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने जाना है। अभी बहुत यूज़र के ये क्वेश्चन थे कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस जेम टोकन की माइनिंग कर रहे हैं और जेम टोकन ATH में कन्वर्ट होते हैं, तो बहुत यूज़र पूछ रहे हैं कब होता है। तो आपको है कि ऐप अपडेट के अपडेट के बाद यहीं पर ही नज़र आ जाएगा कि कब कन्वर्ट होते हैं। तो ATH विल डिस्ट्रीब्यूट 10 दिन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये हर महीने आपके कन्वर्ट होंगे, और कब कन्वर्ट होंगे यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर नज़र भी आ जाएगा, ठीक है? और मेनली यहाँ पे जो ATH टोकन आपको मिलते हैं वो आप किसी को सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, मींस आप ट्रेड कर सकते हो, बाय या फिर सेल भी कर सकते हो, अगर किसी को चाहिए तो उसको सेल भी कर सकते हो, ऐसा डायरेक्टली अभी इसमें अवेलेबल दिया हुआ है। और इसके अंदर वो गेमिंग वाला मैंने बोला था आपको, गेमिंग जोन है, इसमें जाके आप ATH टोकन का यूज़ करके खेल सकते हो, बट खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा ATH टोकन रहेंगे उस हिसाब से आपको जब भी ये लिस्टिंग होगी एक्सचेंज के अंदर तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। सेकेंड है कि KYC की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली यूज़र की हमारी KYC हो चुकी है, क्योंकि मैंने आपको टाइम टू टाइम अपडेट दे चुका था, तो आपको ये टिक आया रहेगा और आपके प्रोफाइल के ऊपर भी एक छोटा सा टिक मार्क रहेगा। KYC क्या है, सिर्फ फेस वेरिफिकेशन है और अलग से कुछ नहीं है। तो जाके माइनिंग करो, तगड़ा प्रॉफिट करो, क्योंकि आइस नेटवर्क का हो गया, अभी भी का हो गया, अभी नेक्स्ट गाइस जो माइनिंग आप अर्ली स्टेज में ज्वाइन कर सकते हो वो है गाइस इतने नेटवर्क की, वो ये अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे सकती है, तो जाके ज़रूर जाके ज्वाइन करो। और मोस्टली ये केसेस में 3-4 एक्सचेंज के अंदर आराम से लिस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो बस गाइस यही थी इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि इन्होंने फंड रेस किया है तो आपको कितना अच्छा बेनिफिट हो सकता है, और इनकी एक ATH के टोकन की प्राइस अभी ये चल रही है तो आगे जाके कितनी अच्छी हो सकती है, क्योंकि एक्सचेंज में लिस्टिंग होता है तब 10x अप रहता है, ठीक है? तो गाइस यही थी इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपके साथ शेयर करनी थी, तो शेयर की। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, टेक केयर एंड बाय, लव यू ऑल।